कृषि मंत्री कमल पटेल ने चित्रकूट में पंच महाभूत की अवधारणा पर संबोधित करते हुए बड़ा रहस्य उद्घाटन किया और कहा देश में कोरोना से भी भयावह स्थिति कैंसर को लेकर होने वाली है। इस दौरान पटेल ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण होने वाले नुकसान के बारे में भी कई बातें कही। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पर्यावरण का देशज आख्यान स्थापित करने के लिए सुजलाम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा रहस्योद्घाटन किया। इस दौरान पटेल ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण होने वाले नुकसान के बारे में प्रकाश डाला और कहा कि समय रहते अगर हम नहीं चेते तो भारत में कोरोना से भी भयावह स्थिति कैंसर की हो सकती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि देश के कृषि वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने के कारण ही पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर जल जंगल जमीन का जरूरत से ज्यादा दोहन मानव कर रहा है जिस कारण पर्यावरणीय वातावरण बदल गया है। समय रहते अगर हम नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक एक सांस लेने के लिए तरस जाएंगे। पटेल ने कहा कि हम सबको मिलकर जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। सामाजिक जागरूकता के साथ खेती किसानी में प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर हमें वापस जाना होगा। हमको हमको जल दिया है, पेड़ दिए हैं, मिट्टी दी, इसका हम दुमन करें, शोषण न करें, लेकिन आधुनिक युग में पैसे को ही सब कुछ महत्व देते हुए और सिर्फ मेरे लिए है, मेरे ही है, अत्यधिक दोहन करने से हर चीज का नुकसान हुआ, प्रकृति में संतुलन बिगड़ा और उसके कारण ही अब देखिए जुलाई अगस्त में बारिश होना चाहिए लेकिन बारिश हो रही है अक्टूबर में, नवंबर में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ दिया हमने और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हमारे सिद्धांत में और इसलिए ज्यादा दोहन करने से हर चीज का, चाहे खनन हो, चाहे पानी का हो, चाहे किसी भी चीज का, उसके कारण मिट्टी का भी लगातार 12 महीने हम फसलें ले रहे हैं, उसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के संतुलन को। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन का उपवास शुरू किया था। 1965 के पहले हमारे देश में अन्न का उत्पादन कम होता था। प्रधानमंत्री शास्त्री ने देश की जनता को अन्न बचाने का संदेश उपवास कर दिया था, लेकिन 1965 से देश में हरित क्रांति शुरू हुई तो रासायनिक उर्वरकों का हमारी खेती किसानी में उपयोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो गया कि हमारे खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता शीघ्र होती जा रही है। उन्होंने कहा पंजाब जैसा प्रांत हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर है। पंजाब के खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पूरा प्रांत कैंसर जैसी बीमारी के चपेट में आ गया है। कैंसर एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चल रही है। पटेल ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग देश की खेती किसानी में होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश में कोरोना से भी बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, लोग कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए समय रहते हम सबको संभलना होगा। डॉक्टर आडवाणी जी ने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह कैंसर के पेशेंट इतने हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, उससे भी खतरनाक स्थिति होने वाली है। इससे समाज को बचाने के लिए हमको युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर गांव गांव घर घर में प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जो काल के कपाल पर है, जो भाग्य के भाल पर है, जो है आदि योगी ईश्वर, जय हो कालजयी महाकालेश्वर। करोड़ों भक्तों का अटल विश्वास, सदियों की आस्था, परमानंद का आभास, ये है श्रद्धा का स्वर्णिम काल, दिव्य भव्य महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक दक्षिण मुखी शिव का रूप विशाल। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 47 हेक्टेयर के परिसर में नव निर्मित श्री महाकाल लोक दर्शन हेतु तैयार है। शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सायं 6 बजे लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल लोक का। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, तब महाकाल बाबा। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के हम साक्षी बने। जय महाकाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।